अल्लाह स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे खैरियत से होंगे तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंथ क्लास कमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2024 हज़ार के बारे में आ, ये आपकी वीडियो नंबर पाँच है चार वीडियोस जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ कमस्ट्री के गेस्ट पेपर्स के हवाले से इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के ऊपर क्लिक करें और आपको वहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है वो हेल्पिंग मटीरियल जो है गेस्ट पेपर मिलेंगे ठीक है तो बात करते हैं आज के इस गेस्ट पेपर के बारे में तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जी यहाँ पे कि व्हाट इज द ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ठीक है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है वो इज इट यूज टू एस्टेब्लिश द पी एच पी ऑफ वाटर ये जो पानी की पी एच पी को एस्टेब्लिश करवाने के लिए किस तरह यूज होता है ऑटो आयोनाइजेशन ठीक है केमिस्ट्री का आपका ये पेपर है सिक्स मार्च को आपका ये पेपर है ठीक है डिफाइन अ साल्ट एंड गिव क्रैक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट साल्ट को डिफाइन करें और साल्ट की खसूसियात के बारे में लिखें साल्ट आपका नमक जो है उसके बारे में ये क्वेश्चन किया जा रहा है डिफाइन द टाइप्स ऑफ सॉल्ट विद एग्जाम्पल सॉल्ट की भी टाइप्स होती हैं उनको एग्जाम्पल के साथ वो कह रहा है कि डिफाइन करें राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में लिखें हो कोल इज फार्मेट ठीक है हो कोल इज फार्मेट व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोल कोल जो आपका था आ, कोक और कोल दो आपके पास थे ठीक है यहाँ पे कोल के बारे में उन्होंने पूछा कि कोल कैसे जो है वो बनता है और उसके डिफरेंट टाइप बताएं कोल की ठीक है राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉजियस सीरीज ठीक है होमोलॉज सीरीज की जो आपने प्रॉपर्टीज बतानी है ये आपका क्वेश्चन आ रहा है आगे डिस्क्राइब द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप बताएं हो आर अल्कोहल ग्रुप्स आइडेंटिफाई ठीक है अल्कोहल या अल्कोहलिक के जो ग्रुप्स हैं वो कैसे आडेंटिफाई होते हैं आगे है हो यहाँ पे है आपका पोलैरिटी ऑफ वाटर मोलिडूल प्लेस इट्स रोल टू डिसॉल्व द सबस्टेंस ठीक है चीजों को पानी के अंदर किस तरह से डिसोल्व किया जाता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ठीक है ये वाटर की हार्डनेस को परमानेंट खत्म करने का मेथड पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रही है इसके बारे में एक्सप्लेन करें गिव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर हार्ड वाटर के कुछ नुकसानात लिखें ठीक है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अमोनिया सॉल्विंग प्रोसेस ठीक है सॉरी अमोनिया है ठीक है अमोनिया अमोनिया के मतलब यानी कि वो कह रहे हैं बारे में लिखे हो यूरिया इज मैन्युफैक्चर ठीक है यूरिया खाद कैसे तैयार होती है इसके बारे में आपने एक डायग्राम बनानी है ठीक है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आपका है ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं और अगर आप बाकी बुक्स के गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट करें लर्निंग विद आबद अली के नेम से ठीक है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्वेलिब्रियम ठीक है उन्होंने कहा कि एक्वेलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो आपने ड्राइव करनी है और आपने एक्शन मास को ला को डिफाइन करना है आगे है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत के बारे में लिखें डिफाइन एंड एक्सप्लेन ठीक है जो बार रिपीट बार होके आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप लोगों ने इनको लाजमी कर लेना है डिफाइन एंड एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द्रोस्टेड लॉरी सेप्ट ठीक है ब्रॉस्टेड लॉरी साइंसदान है कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने जो है वो एसिड और बेस को डिफाइन करना है ठीक है जस्टिफाई विद एग्जाम्पल डेट वाटर इज एन ठीक है क्या यहां पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक कंपाउंड वाट आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज ठीक है इसके बारे में लिखें डिफाइन होलो जनरेशन शन ऑफ अलकाइंस अल होम एन रिएक्ट विद सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट एंड डिफ्यूज सनलाइट राइट द यूजेज ऑफ एथियन ठीक है एथियन के इस्तेमाल लिखें हो एथियन इज ऑक्साइड बाय अल्काइन अल्कलाइन ठीक है के एम एन ओ की फोर फार्मूला है आपका ये ठीक है राइट द यूज ऑफ ठीक है वट आर राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है एक्सप्लेन द सोर्स एंड यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज ठीक है सोर्सेज को एक्सप्लेन करें ठीक है और उनके आ, प्र, आ, जो प्रोटीन्स के इस्तेमाल को आपने बताना है ठीक है सोर्स और प्रोटीन दो चीज़ें हैं इनके बारे में आपने लिखना है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन की ये भी बहुत रिपीट हो रहा है थोड़ा सा ना लिखने वाले स्टूडेंट्स uh, यहाँ पे कर जाते हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि क्या लिखा हुआ है ठीक है गिव द्राइपोस्फियर वाइट ट्राइपोस्फियर सॉरी यहाँ पे ट्राइपोसफियर है और यहाँ पे टम्परेचर है ठीक है यहां पे पहले उन्होंने कहा कि ट्राइपोस्फेयर की खसूसियात लिखें बाद में उन्होंने कहा कि वाई टम्परेचर डिक्रीज अपवर्ड इन दिस स्फेयर ठीक तो है तो ये टेम्परेचर है ठीक है नेक्स्ट है वाई सी ओ कंसिडर हैजर्ड ठीक है सी ओ जो है वो हेल्थ हैजर्ड क्यों कंसिडर किया जाता है व्हाट इज द जोन लेयर बहुत आता है आप लोगों का ये क्वेश्चन इसको आपने याद रख लेना है ओ इज इट डिपलेट डिपलेटिंग एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट्स डिप्लीशन डिप्लीशन मीन होता है कम होना डिपलेटिंग मीन होता है जोन लेयर का खत्म होना कैसे जोन लेयर खत्म हो रही है कैसे हम इसको बचा सकते हैं डिप्लीशन यानी खत्म होने से डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग ठीक है ग्लोबल वार्मिंग क्या है राइट इट्स इसके फैक्ट्स के बारे में आपने लिखना है इन्वायरमेंट uh, माहौल के ऊपर इसके क्या असर आते हैं तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गैस जो है वो कम्प्लीट हो चुका है शाला जल्द ही एम सी क्यूज के बारे में भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नहीं वोडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़